भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, काले कानून रद्द करो। लोगो लोगो ही करो। मैं उत्तम सिंह बरवाली गल जिला मीत प्रधान सिद्धू की कहना चाहते अज के धरने बारे। अज के धरने के असी यह धरना दिन ब दिन असी अगे तो अगे वाधे वाल जा रहे हैं। तो असी पूरा प्रोटेस्ट है जोड़ा इनू मतलब पूरा तेजी के नाल पूरा जोर शोर के नाल मतलब असं अगे तो अगे वधाते जावे। तो क्योंकि सरकार ने जो ये साढ़े उत्ते एक आर्डिनेंस कानून बना के साढ़े उत्ते एक लागू किए ने। एक पासे तो करोना की महामारी चल रही है, लोग घर बाहर निकलने ये बार बार पाबंदियां ला रहे हैं भी अंदरे रहो। तो दूजे पासे अपना चुपचाप इन्होंने एक बिल पास करके लिया के साडे ते ठोस दिते बेलोड़े, जिदे नाल एक किसान वर्ग ही नहीं इस जनता 80% लोग मजदूर, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी वर्ग ते हर एक ही प्रभावित होगा। सिर्फ 10-15% लोगों छड़ के वो सिर्फ उही होंगे टाटा बिरला अडानी अबानी। ये किसी भी तरह जनता के हित दे विच नहीं, लोक हित दे विच बिल ये नहीं है। सो इन्हां दा किसानां नूं भी बहुत भारी नुकसान होना। तो इत्थे दी मैं तो यह कहूँगा भी इत्थे दी हालत इन्नी बदतर हो सकती है कि इन्हां नूं कंट्रोल करना भी औखा हो जाऊगा अगर इन्होंने इस बिलों नूं रद्द ना किया। हरदीप सिंह ग्यासपुरा जी, ग्यासपुरा साहब अज तुसीं नौलड़ी धरने दे विच पहुंचे हो, पंप ते की कहना चाहुंदे हो इस बारे? ये देखो जी, ये साडे अंदोलन का ही हिस्सा वा। असीं जो साडे पहली तरीक तो अंदोलन चल रहे ने रेलवे ते, जाने के टूल प्लाजे घिरे हुए ने। तो हुण असीं जाने के जिवें साडी जथेबंदियां उत्थे दिल्ली गईयां सीगियां, उन्हां नाल इन्हां ने बहुत माड़ा वर्ताव किया साडे जथेबंदियां दे आगूआं नाल। उहदे रोस वजों हुण असीं भी जाने के अंदोलन नूं होर तिखा किया भी जिहड़े इन्हां दे कोई पंप ने जां कोई मॉल रहिंदा, बाकी जो इन्हां दे बीजेपी वालिआं दे कोई दफ्तर आ जां इन्हां दे जिथे रहिंदे ने ये उन्हां दे घरां मूहरे भी असीं अपना धरने लावांगे, रोस प्रगट करांगे। इस बारे कुछ नहीं कहना चाहुंदे जी। 15 दिन तो 16 दिन तो पंजाब पिट कह रहा भी साढ़े हक सानू दवो, काले कानून वापस लवो, सरकार जागदी नहीं। हुण असीं अंदोलन इन्ना तेज़ करता, ये अंदोलन असी उदों तक ठंडा नहीं करांगे जिन्ना चिर मोदी झुकदा नहीं, पंजाब सुरक्षित नहीं हुंदा, ये लड़ाई एवें लड़ी जाऊगी। अज कड़ियां जथेबंदियां पहुंचियां इत्थे? ओनली किसान जथेबंदियां ते उन्हां दी मदद ते सारे किसान। आने वाले समय का की प्रॉब्लम? जिन्ना चिर भारत सरकार ये बिल वापस नहीं लैंदी उन्ना चिर कोई भी इहदा हो नहीं गा ठंडा होने का संकेत नहीं। असी लड़ांगे, अंत तक लड़ांगे, मरदे दम तक लड़ांगे। देखिए संघर्ष तो लगातार चालू आरंभ है, चल रहा 20 तरीक तक जाने इतने समय लिए कॉल दी हुई है। 19 तरीक पंजाब सरकार ने विशेष सैशन बुलाया हुआ, वो 20 तरीक अणमिथे का समय का जोड़ा अंदोलन चल रहा ऑलरेडी इनू अणमिथे समय का कहा गया। वो 20 अगे जाके फिर बस जिमें उपरों किसान जथेबंदियों के आगू मीटिंग करके जो भी कॉल में बधाते हैं या जिमें भी कहेंगे सर उसी तरह से तैयार रहे। आपको लगता है किसी ने कहा केंद्र सरकार आपकी बात सुनेगी कि आपका जो फैसला है वो वापस लेगी जो आप धरने प्रदर्शन कर रहे हैं? तो मोदी सरकार में जो कहते हैं फैसला लेते हैं वो वापस लेते हैं? देखो लोग रो रहे मुझे सब सरकार ठीक है, जो उन्होंने को सत्ता आ गई बटेरे दे बटेरा आ गया लत दे थले उन्होंने हंकार के निग के ने यह लोग रो आ लोग रो दे मुझे सारा कुछ झुक जाता उन्होंने मोदी सरकार ने झुकना पैना झुके तो बिना सरना बारे। देखो जी जिहड़े केंद्र सरकार ने किसान विरोधी कानून ये पास किए ने इन्हां दे खिलाफ समुचा पंजाब की समुचा इंडिया और हरेक वर्ग ये विरोध अंदोलन कर रहा। भारतीय किसान यूनियन के झंडे हेठ ये अंदोलन हो रहा और सारे वर्ग ये साथ दे रहे हैं। अरे जिहड़े काले कानून ने ये किसी भी कीमत लागू नहीं होने। आने वाले समय के धरनों की की रूपरेखा होगी? देखो जी ये जिवें पिछे इन्हां ने ड्रामे करे ने, पहला केंद्र सरकार ने उदा ही चिट्ठी कटाती किसी मुलाजम तो उहदे विच भी ये कहा भी आओ थोनों इन्हां कानूनों बारे दसीए किवें ने। तो जदों किसान जथेबंदियां ने मीटिंग करके बाइकाट करता भी असीं नहीं मीटिंग ने इहदे विच शामिल होना,
तो इन्होंने फिर दोबारा चिट्ठी कढ़ी सकत्तर ने जिहड़ा खेतीबाड़ी सकत्तर दी ये उत्थे मीटिंग बुलाई उत्थे भी कोई मंत्री नहीं आया कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं कोई नहीं आया तो उत्थे भी इन्होंने ड्रामेबाजी की है तो उसका रोस वजो बाइकाट करके जिहड़े आर्डिनेंस दी कापियां सीगियां वो पाड़ के जिहड़ियां अपने जथेबंदियां ने उत्थों वाकआउट करके आईयां ने हुण जिवें ये लागू इस तरह जिहड़ा रेल लोको प्रोग्राम आ अज्ज 16वें दिन च दाखल हो गया है इस तरह लागू रहेगा आने वाले समय लई ते बाकी कल हुण जिहड़े हैगे ने मोदी सरकार दे पुतले फूके जाणगे ते इस तरह फिर जथेबंदियां मीटिंग करनगियां मीटिंग करन तों बाद जिहड़ा प्रोग्राम देणगियां उस नूं असीं पूरे जोर शोर नाल लागू करांगे जिहड़े पुतले फूकण दा प्रोग्राम आ किथे किथे दा हैगा किहड़े किहड़े शहरां दा ये देखो जी सारे ब्लाकां दे छड्डे आ उहनां ने आपो अपने पॉइंट चुणने ने जिथे उहनां नूं ठीक सूट करदा उन्होंने आपको अपनी जगह सिलेक्ट करनी है तुहाडी यूनियन वालों कितने होगा असं अजे राय करनी है राय करके असं फिर सारे दस देना भी कितने कितने का प्रोग्राम है वो सारे ब्लाक ने अलग अलग करने जिंदर सिंह जी जिहड़ा जी आप प्रदर्शन कर रहे हो अपना रेंज पेट्रोल पंप के उत्ते इहदा मेन जिहड़ा तीन कानून जो बनाए थे केंद्र सरकार वालों जी पिछली मीटिंग भी हुई थी उन्होंने इन्हें भी मीट कर दिया गया हूँ अगला अपना की अगला संघर्ष की है संघर्ष का देखो जी जिवें ਨਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਲ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਡੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗ 'ਤੇ ਇਸ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਵਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਜ ਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਟੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੋਹ ਵਧਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਮੀ ਰੱਜੀ ਕਰ ਗਿਆ।